इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कह रहा हूं। मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। खेतलपुरा बिहार राज्य का एक प्रमुख जिला नालंदा, जो पुराने समय में चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों की वीर भूमि रही है, जहां विश्व की पहली विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय आज भी स्थित है। उसी नालंदा जिले का एक प्यारा सा गांव है खेतलपुरा, जिसके बारे में आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ रोहित राज, नाम तो सुनाई नहीं। देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश। खेतलपुरा, खेत और पुरा की संधि से बना ये शब्द ना सिर्फ एक नाम है, बल्कि ये नाम अपने आप में एक संपूर्ण अस्तित्व लिए हुए है, सामाजिक, सांस्कृतिक और सौहार्द के अस्तित्व। बरबीघा बाजार, जो इस गांव के साथ साथ आसपास के कई इलाकों का मेन बाजार है, जिसके मिशन चौक से निकलते हुए स्टेट हाईवे 83 जो वारसलीगंज की ओर जाती है, उसी मिशन चौक से ठीक 1 किलोमीटर दूरी पर ही बसा है ये प्यारा सा गांव खेतलपुरा। 2 लेन वाले स्टेट हाईवे 83 की पश्चिमी साइड में लगे बगीचे और खेतों की झांकी दिखनी शुरू हो जाती है, और यहीं से शुरू होती है खेतलपुरा की गांव, जहां का पहला प्रवेश द्वार आपको सीधा खेतलपुरा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक जगदम्बा स्थान की ओर ले जाती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कृषि उद्योग का नमूना पेश करता हुआ एक छोटा सा प्लांट नर्सरी, जो से ठीक 2 कदम पीछे ही है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस गोपाल प्लांट नर्सरी की ओर, जो कृषि उद्योग का एक बढ़िया सा उदाहरण पेश करती है। पेड़ पौधों की जानकारी के लिए, फलों की खरीद बिक्री के लिए आप गोपाल प्लांट नर्सरी से संपर्क कर सकते हैं। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। घट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ ये प्लांट नर्सरी किसी के भी मन को भा लेती है। कदम कदम पे है मिल जाने। और अब इसके बाद रुख करते हैं जगदम्बा स्थान की ओर। जगदम्बा स्थान इस गांव की प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां पे हर एक साल नवरात्रि मनाई जाती है, और नवरात्रि के दिन नए नए कलाकार अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, और ये आयोजन आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मंदिर के चारों तरफ घनी वृक्ष होने के कारण ये हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और लोग
प्रातः सुबह और शाम पूजा करने के साथ साथ यहाँ पे अपना मन बहलाने और घूमने फिरने भी आते हैं। दशहरे के अवसर पे माँ जगदम्बा ग्रुप के द्वारा नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा के आयोजन किया जाता है। बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। और ये वही मंच है जहाँ पे हर एक साल नवरात्रि के शुभ अवसर पर टैलेंट हंटर शो जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और हमारे गांव के बाल कलाकार अपना जलवा दिखाते हैं। और ये सारे कार्यक्रम जय माँ जगदम्बा ग्रुप के द्वारा किया जाता है। रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई ये मंदिर रात को जो भी देखता है इसका दीवाना हो जाता है। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। और अब जगदम्बा स्थान की खूबसूरती के बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसी रास्ते से सिर्फ 200 मीटर के आगे जाने के बाद हमें मिलता है गांव का ये मध्य विद्यालय। बगीचे के बीच में स्कूल और स्कूल के बगल में तालाब, जहां इस प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का नींव हमारे अंदर बोया जाता है, वहीं आज की इस कोरोना जैसे पैंडेमिक में ये स्कूल क्वारंटीन सेंटर बन जाती है। तो वहीं शाम के समय बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बन जाती है, तो रात में कभी कभी बारातियों को ठहराने के लिए बाराती स्थल भी बन जाती है। जैसा देश है तेरा। तो अब मध्य विद्यालय खेतलपुरा के बारे में हमारे गांव के शिक्षक नीरज सर से जानेंगे। नीरज कुमार, शिक्षक मध्य विद्यालय खेतलपुरा। यह जो विद्यालय है इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में हुआ था, जो कि हमारे अस्थामा प्रखंड का बहुत ही पुराना स्कूल है। अस्थामा ब्लॉक में इतना पुराना स्कूल कोई भी नहीं है। पहले के समय में यहाँ सप्तम वर्ग तक के पढ़ाई होता था, उत्क्रमित होते होते या अष्टम वर्ग में हुआ, और अभी वर्तमान में यह प्लस टू तक के विद्यालय आगे बढ़ चुका है। और इस गांव का साक्षरता दर पुरुष 70% 75% और महिला 65% के आसपास है। यहां गांव के ही माध्यम से टैलेंट हंट शो का आयोजन प्रत्येक साल लगभग ये 3-4 साल से किया जा रहा है, और इसका परफॉर्मेंस जो है वह भी बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। इस गांव की आखिरी छोर पे उत्तर में घने बगीचे के बीच धार्मिक स्थल जगदम्बा स्थान, शिक्षा रूपी मंदिर के रूप में प्राथमिक विद्यालय, तो गांव और बगीचे के सौंदर्य आभा में चार चांद लगाती हुई एक मत्स्य पालन के लिए तालाब दिख जाती है।
बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शिव मंदिर की ओर, जो हमारे गांव का दूसरा प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो जगदम्बा स्थान से केवल और केवल 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ हर एक साल महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। मिट्टी से नहीं जज्बातों से फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान। इस मंदिर में हर शुभ अवसर पे पूजा पाठन शिव चर्चा और यज्ञ जैसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। और यहाँ के मंदिर के चारों तरफ की हरियाली भी लोगों के मन को भाती है और श्रद्धा के साथ साथ शुद्धता भी प्रदान करती है। से बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी लेके जमी से आसमां तक मेरी ही कहानी। इस गांव में मौजूद दो ठाकुरवारियों में से ये ठाकुरवारी सबसे पुरानी है। शादी करने के लिए इस गांव में आए नए मेहमान वरमाला से पहले इस ठाकुर बाबा को माला पहनाने आते हैं। शादी की कई और रस्में जैसे गालसे की और द्वार लगी से पहले हमारे गांव पधारने वाले हमारे जीजा जी इसी ठाकुर बारी में स्थित ठाकुर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। गांव की प्रमुख धार्मिक स्थलों की सूची में एक और नए धार्मिक स्थल का नाम जुड़ने वाला है, परशुराम थान, जिनके निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस गांव की अनपढ़ मिट्टी। तो आइए उन्हीं से जानते हैं जिनकी मेहनत, जिनकी लगन, जो दिन रात इस धार्मिक स्थान के निर्माण में लगे हुए। मैं राजीव कुमार, सभी वीडियो देखने वाले लोग को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं इस परशुराम बाबा मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूं। ये परशुराम स्थान जो है हमारे बहुत पहले पूर्वज न जाने कितने सालों पहले से यहां ये स्थापित था, लेकिन आज तक इसका जो है मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा था। संयोग से इस 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ और हमें घर में लंबी अवधि तक रहने का मौका मिला।
हम और हमारे सहयोगी कन्हैया जी, गोपाल जी और कुछ अच्छे अच्छे बच्चे मिल कर करके इस मंदिर का निर्माण कार्य को प्रारंभ किया और आज यह मंदिर इस मुकाम तक पहुंच गया है कि बाबा परशुराम का मंदिर बन करके रेडी है। ये मंदिर की विशेषता है कि जब भी कोई अपने गांव में दाम्पत्य जीवन स्टार्ट करते हैं, वो घर की पुत्री हो चाहे पुत्र हो, बिना इनके आशीर्वाद से आगे नहीं बढ़ता है। हम लोग के गांव का ये प्रथा है कि लड़के का जब शादी होता है तो लड़के के सर पर बांधा हुआ पटवासी जैसे शादी करके आता है तो बाबा के आशीर्वाद के यहाँ चढ़ाया जाता है, और अगर हमारे गांव में लड़कियों की शादी होती है तो उनके घर में आया हुआ जो सिर पर मोर होता है, हमारे जो दामाद होते हैं उनका मोर को भी यहाँ चढ़ा करके उनसे जो है सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लिया जाता है। और ख़ास करके हम लोग महाराज परशुराम के वंशज हैं, इसलिए हम लोग को लगता है कि इनका जो है बहुत अच्छा से सेवा किया जाए, आराधना किया जाए और आगे जाकर करके हम लोग को इनसे आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। जय बाबा परशुराम। जय बाबा परशुराम। जय परशुराम। नमस्कार, मेरा नाम हुआ गोपाल कुमार और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने भव्य एक श्री परशुराम भगवान का मंदिर का निर्माण किया है, और यहाँ पर जितने सारे हमारे गांव के सदस्य लोग हैं वही सब मिलके अपना सारा योगदान दिए हैं। हम लोग जब भी घर में मन नहीं लगा तो हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, बैठ के हम लोग आपस में बात करते हैं, अच्छा लगता है। और सारे समाज सारे लोग भी यही कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे हम लोग का आगे का जो भविष्य है तरक्की ही होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, घाटा नहीं है। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय परशुराम। जय परशुराम। और अब दर्शन करेंगे बाबा थान का, जहां पे हर एक इंसान शुभ कार्य करने से पहले अपना माथा टेकने आता है। बाबा थर्मी जगदम्बा स्थान की तरह इस गांव की पूजनीय स्थल है, जहां पर शुभ कार्यों जैसे शादी वगैरह की विधि विधान होने के साथ साथ श्रद्धा कार्यों की दशमा सरमुंडन की विधि भी संपन्न होती है। इसी के साथ बाबा थान घने बगीचे, मशान, तालाब और हाई स्कूल के लिए भी हमारे गांव की शान है। मुर्गियाचक पंचायत की पंचायत भवन इसी गांव की धार्मिक स्थल बाबा स्थान में स्थित है, जहां पे पंचायत समिति और वार्ड मेंबर्स के द्वारा पंचायती कार्यों की दिशा निर्धारित की जाती है। गांव के आखिरी छोर पे दक्षिण में धार्मिक स्थल बाबा थान, मत्स्य पालन के लिए एक तालाब, तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाई स्कूल, इसे सिर्फ एक सुसज्जित निर्माणधीन इमारत ही बोला जाएगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम ग्रामीण की लाचार रवैया और संकुचित सोच के कारण पठन पाठन के लिए इस विद्यारूपी मंदिर का शुभारंभ आधे में ही अटकी पड़ी है। 70% पुरुष साक्षरता दर और 60% महिला साक्षरता दर को मजबूती देने के लिए आम ग्रामीण के साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि को भी अपना ध्यान इस हाई स्कूल को सुचारू रूप से शुभारंभ कर चलाने और एक पुस्तकालय के निर्माण की ओर इंगित करता है। डिजिटल इंडिया के तहत इस गांव में इलाहाबाद बैंक की एक शाखा है, जिसे ग्रामीणों को वित्तीय लेन देन और सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए आर्थिक अनुदान का विशेष लाभ अति शीघ्र मिल जाया करती है। कॉमर्स कंपनी की पहुंच से ये गांव भी अछूता नहीं रहा। कई सालों से पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा जैसी बड़ी बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी भी अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी अपने डिलीवरी एजेंट्स के जरिए इस गांव में करती आ रही है। हर घर नल जल योजना के अंतर्गत जन पंचायत वार्ड के जरिए हर एक घर में
जल की आपूर्ति सुबह शाम होती है। वहीं इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस गांव की पक्की सड़क की बहुत भारी क्षति पहुंची है। बात सिर्फ सड़क की क्षति तक ही सीमित नहीं है, वाटर स्टोरेज टैंक ना होने के कारण डायरेक्ट वाटर का ओवरफ्लो, उसके फलस्वरूप पीवीसी पाइप के प्रेशर और प्रेशर के कारण पाइप का दो भागों में बंटने के उपरांत तीन में से दो गली आपको जलमग्न देखने को मिलेगी। साथ ही थोड़ी बहुत अज्ञानता और लापरवाही के कारण कई स्थान पर नल का खुला होना और नल का ना होना भी जल बर्बादी का मुख्य कारण है। जनप्रतिनिधि के साथ साथ हम आम जनता का ये फर्ज होना चाहिए कि जल संरक्षण के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। मेन रोड पे स्थित खेतलपुरा डेयरी, जहाँ पे सिर्फ दूध ही नहीं, दूध से बनी हुई सभी चीजें जैसे दही, मक्खन, खोबा, मलाई, आइसक्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन आदि मिठाइयाँ भी अच्छी क्वालिटी और सस्ते दामों में उपलब्ध है। तो शादी और पार्टी के लिए दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। रबी और खरीफ फसल इस गांव की मुख्य पैदावार है, लेकिन गर्मियों में आम का पैदावार यहां के किसानों द्वारा किया गया। यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोकल मार्केट बरबीघा और उसके आसपास के इलाकों में ठीक उसी तरह प्रसिद्ध है जैसे जम्मू और कश्मीर के सेब या फिर मुजफ्फरपुर के लीची। और खेतलपुरा में लोगों से अक्सर गुनगुनाते हुए सुनेंगे, खेतलपुरा आएंगे आम खा के जाएंगे, निराश होकर नहीं जाएंगे। तो और कौन कौन से आम होते हैं यहाँ पे? मालदा, लाल मालदा, दुधिया और ये कलकतिया, सिंदूरी और इत्यादि बहुत से आम मेरे गांव में पाए जाते हैं। ये कौन सा आम? ये मालदा। मालदा? जी मालदा, ये जो कि सबसे अच्छा होता है। अच्छा अच्छा, ये फलों का राजा आम है। नवीनी बिजलीकरण होने के कारण इस गांव में बिजली आपूर्ति के लिए 5 नए ट्रांसफार्मर भी सुचारू रूप से कार्यरत हैं और इसी के फलस्वरूप 23 घंटे बिजली बिना बाधित हुए हर घर संभव हो पाई है। आपस में एकता, अखंडता और सौहार्द बनाए रखने के लिए इस गांव में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम हर एक साल होती रहती है, जैसे दशहरे के अवसर पर माँ जगदम्बा ग्रुप के द्वारा नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा का आयोजन, छठ पूजा के उपलक्ष्य में नव युवा क्रांति क्लब के द्वारा छठ घाटों की सफाई और छठ पूजा की हर एक प्रकार की तैयारी करवाई जाती है। रंगों के त्यौहार होली में मटका फोड़ का आयोजन भी हमारे युवा और आदरणीय बुजुर्ग ग्रामीण मंडली के द्वारा होती है। टैलेंट हंट शो जो इस गाँव की शान है, उसके अंतर्गत इसी स्टेज पर दशहरे में कल्चरल प्रोग्राम के आयोजन किया जाता है। तो इसी THS के तहत टैलेंट हंट एग्जामिनेशन इस गांव की छात्र छात्राओं में कॉम्पिटिटिव माहौल बनाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छठ पूजा के अवसर पर करवाई जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। न ठहरा था न ठहरा हूं, न ठहरा था
न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा।